देश में विपक्ष मोदी विरोध एजेंडा चला रही है। हालांकि पीएम मोदी की उपलब्धियों के सामने विपक्ष का ये एजेंडा अब तक विफल ही साबित हुआ है। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च के एक सर्वे में पिछले 3 साल में पीएम मोदी की लोकप्रियता में और ज्यादा उबाल आया है, जबकि उनके मुकाबले देश के अन्य नेताओं की लोकप्रियता काफी घटी है। प्यू रिसर्च के सर्वे में देश के 88% लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है, यानी देश की 3/3 से ज्यादा आवाम पीएम मोदी के कामकाज से खुश है। इधर एक के बाद एक आ रही रिपोर्ट मोदी सरकार का सीना चौड़ा करने वाली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न सिर्फ आर्थिक बुलंदियों को छू रहा है, बल्कि सुरक्षा मामले में भी भारत दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में उभरा है। पीएम मोदी की सख्त विदेश नीति की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। अमेरिकी संसद के सामने विदेश नीति, खासकर चीनी मामलों पर नजर रखने वाले एक बड़े थिंक टैंक ने कहा है कि चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना के खिलाफ मोदी ही दुनिया के इकलौते नेता हैं जो खड़े हुए। हाल ही में चीन के साथ डोकलाम में भी मोदी सरकार ने सख्त रुख दिखाया था और 73 दिन तक सैनिकों के आमने सामने खड़े रहने के बाद शांतिपूर्वक दोनों सेनाएं पीछे हटी थी। अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट के सेंटर ऑन चाइनीज स्ट्रेटजी के डायरेक्टर माइकल पिलसबरी ने कहा, हाल तक अमेरिका भी चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन पीएम मोदी और उनकी टीम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के खिलाफ काफी मुखर रही है।